सो हाय गाइस, एकदम लेटेस्ट न्यूज है। आप में से काफी सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम इंडिया में बैन हो जाए। बट ऐसा क्यों और कैसे, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर वन चीज, फरवरी में गवर्नमेंट ने कहा था इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को कि आप लोग थोड़ी सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाओ और हमारे अकॉर्डिंग इंडिया में काम करो, और उससे रिलेटेड इंडियन जो एप्स है, जो फेसबुक इंडिया है उसमें थोड़े चेंजेस करो, ऐसे जो भी ट्विटर इंडिया है इनमें चेंजेस करो। बट उन्होंने तब लेट में डाल दिया, कहेंगे कि बाद में करेंगे, बाद में करते करते लास्ट डेट आ चुकी है और कल इनकी लास्ट डेट है, यानी कि 26 मई 2021 को लास्ट डेट आ गई है। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी तक ये पूरा इग्नोर्ड है उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से भी अभी तक कोई एक्शन नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है गवर्नमेंट की। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बैन तो होगा नहीं, बिकॉज इतनी बड़ी तीन साइट्स इंडिया से भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, तो बहुत मुश्किल है बैन होना। नंबर टू, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इतने सारे लोग इन साइट्स पर एक्टिव हैं, तो ये बैन नहीं हो सकती फिलहाल के लिए। नंबर थ्री, कि अगर ये बैन हो भी जाती है तो बहुत जल्दी रिटर्न हो जाएंगी किसी और कंपनी के थ्रू या किसी तरीके से। बट गवर्नमेंट ने एक चीज़ कही है कि वो एक टीम रख के इनके सिक्योरिटी मेजर्स को ट्रैक करना चाहेंगे एक बारी को, ताकि पता चल सके कि ये सेफ है या नहीं। या फिर आपने भी सुना होगा कि व्हाट्सएप पे चैट्स लीक हो रहे हैं ऐसे ऐसे उनके एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उन्होंने ये सब मना कर दिया। फिलहाल तो नहीं हो रहा, अभी कुछ स्टेप नहीं लिए जा रहे, अभी ये एकदम इग्नोर्ड मैटर है। अब कल की लास्ट डेट आ गई है, इससे लोग थोड़े अवेयर से हो गए हैं, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली यही है, और अगर हो जाता है तो भी कोई बड़ी इशू नहीं है, नए ऐप्स आ जाएंगे और ये एक दो महीने में वापस एंट्री मार देंगे। अब एक चीज़ और बोलूँगा, कल हमारे चैनल पर एक नया वीडियो आने वाला है, जो भी हमारी नीच चैनल की सीरीज चल रही थी उसमें मैं एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर सिर्फ 7 वीडियोस डाल के कर सकते हो, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज़ और याद रखना कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस पे बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट भी पागल है कि सीधा बैन कर दे। ठीक है, तो बैन तो नहीं होंगे, इतना कन्फर्म है, जो भी लोग कह रहे हैं बैन हो सकते हैं, आई थिंक बहुत रेयर चांस है, 0.1% भी नहीं है कि बैन हो जाए। तो अगर ये लोग कोई एक्शन ले लेते हैं तो ऑब्वियसली अनबैन रहेंगे, बाकी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो भी सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट का काफी ज्यादा एक्ट। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।